दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी को पता है कि आए दिन मैं गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स के वीडियोस बहुत ही ज़्यादा बनाता हूँ और मेरे चैनल पे आप मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम वीडियोस अगर आप देखो तो गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स के ऊपर ही रहता है। तो गाइज़ आप सभी का है ना जितना भी प्यार मिल रहा है गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स के वीडियोस के ऊपर, इससे देखकर मुझे यार कहीं ना कहीं है ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता है। आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है। लेकिन गाइज़ मैं आप सभी को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग है ना मेरे गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड सीरीज़ को है ना पूरा कंप्लीटली देखना चाहते हो तो लगभग मैंने 150 से 200 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। उन सारे के सारे वीडियोस का लिंक भी आप सभी को इसी वेबसाइट पे मिलेगा। और गाइस मैं आप सभी को इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी को है ना मैंने सर्वे प्राप्त करा है। और ये जो सर्वे मैंने प्राप्त करा है ना, तो ये जो सर्वे मैंने कब प्राप्त करा है, ठीक है, और इसकी जो सर्वे गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड मुझे बता रहा है ना, इस चीज़ को आप देखोगे तो यार आप लिटरली बता रहा हूँ आप शॉक हो जाओगे। जी हाँ गाइस, मुझे जो सर्वे मिला है मुझे जो सर्वे मिला है ना, ये जो मेरी सर्वे है ये मेरी लगभग आज से है ना आज से लगभग 6-7 महीने पुरानी जो सर्च हिस्ट्री है उससे मिला है। अब कैन यू बिलीव इट कि गाइस गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स कैसे काम करता है। आज से लेके 6 महीने पहले मैंने जो चीज़ है ना अपने साइट पे रिसर्च करी थी, अपने साइट पे बताया था, मैंने है ना उस साइट पे सर्च करा था उस टॉपिक को लेकर, उसी टॉपिक के ऊपर मुझे यहाँ पे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं जो कि मुझे रेफर करा जा रहा है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर अपनी ओपिनियन देना है। ठीक है गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। और गाइस चैनल पे पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो तो यार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। गाइस आप है ना गूगल पे जाओ, पहले तो ये जो प्रोसेस है इसको आप देख लो। ठीक है, मेरे ये जो वेबसाइट देख रहे हो, दो वेबसाइट, हिंदी डिजिटल ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद गाइज टेक्निकल के सब, ठीक है, दोनों चीज़ों की मैं आप सभी को यहाँ पे पहले मैं चीज़ों को समझाता हूँ, आगे जाके मैं है ना वो जो मैंने सर्वे प्राप्त करा उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। छोटी से है ना छोटा सा मैं टाइम लूंगा आप सभी को। देखो आपको करना है क्या है, गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स है ना आप सभी को अगर इन में डीपली जाना है, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा सर्वे चाहिए, तो गाइज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप दिन में 3 सर्वर रिसीव कर सकते हो, जो कि मैंने अभी तक फिलहाल मेरी एक्सपीरियंस में मैंने 2 बार 10-15 मिनट के है ना आगे पीछे 2 सर्वे प्राप्त करे हैं। और प्रूफ भाई मैंने आगे जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी वहाँ पे बताया था, और आने वाली इस वीडियो के एंड में मैं उसको ऐड कर दूंगा, उसको भी डेफिनेटली चेकआउट कर देना। अब गाइज आपको क्या करना है, गूगल पे जाओ, हिंदी डिजिटल ट्रेंड सर्च करो, .in है ना आपका है ना एक्सटेंशन रहेगा, वहाँ पे पहले ही आपको मेरे वेबसाइट मिल जाएगा। आपको ये वेबसाइट ओपन करना है और यहाँ पे जो सर्च बार दिख रहा है ना यहाँ पे जाना है और आपको लिखना है गूगल, ध्यान से देखना, ओपिनियन, ठीक है, इतना सा लिख दो। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे एक आप सभी को आर्टिकल देखने को मिलेगा, देख सकते हो ये रहा वो आर्टिकल। जैसे आप ये आर्टिकल को यहाँ पे ओपन करते हो, आर्टिकल को ओपन करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने इतने सारे मेरी एक्सपीरियंस मैंने आप सभी के सामने शेयर करे हैं, सारे के सारे एक्सपीरियंस गाइस आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। देख सकते हो टोटली मैंने डीपली समझाने की कोशिश करी है। और एक अच्छी चीज़ मैं आप सभी को बताऊं कि यहाँ पे है ना जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, जो भी चीज़ें मुझे पसंद आती है गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स की, मैं यहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली नीचे है ना उस चीज़ को मैं अपडेट कर देता हूँ। और गाइस बिलीव मी, इससे है ना बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है। और भाई लोग जिसकी भी हेल्प हो रही है ना यार वो लोग कमेंट कर देना ताकि मैं आप सभी की जो कमेंट है ना मैं उसको पिंग कर पाऊँ, ताकि बाकी है ना आगे जो भी लड़कों लोग की प्रोसेस है, बाकी जो भी लड़के लोग है ना चाहते हैं कि उनकी भी यहाँ पे कुछ बेनिफिट हो तो वो लोग है ना यहाँ पे आराम से इस चीज़ को कर पाए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपनी साइट को है ना मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, देख सकते हैं गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स क्या है और कैसे काम करता है, बेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसको ओपन करके पढ़ लेना। अब गाइस दूसरी मैं साइट की बात करूँ तो जिसका नाम है टेक्निकल के सब .com। अब गाइस यहाँ पे ये जो साइट है बहुत ही सिंपल है, देख सकते हो। अब गाइस जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे बेस्ट पोस्ट के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे ही आपको गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स के है ना यहाँ पे साइट की आर्टिकल मिलेगी।
ये इंग्लिश आर्टिकल है जो पहले मैंने ये दिखाया, ये हिंदी आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ना, ठीक है। और गाइज यहाँ पे मैंने जो वीडियो ऐड करके रख दी है उन वीडियोस को भी जरूर से चेकआउट करना। यहाँ पे मैं वीडियो चेंज कर दूंगा, जो मैंने अभी बताया था ना आपको, एक दिन में मैंने दो सर्वे प्राप्त करे थे, उस वीडियो को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो यार जरूर से इसको भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि मैंने कल है ना एक वीडियो जो है रिकॉर्ड करके रखा है, जो मुझे सर्वे मिला था। तो उस हिसाब से है ना मैं आप सभी को बताऊंगा कि गूगल अपने रिवॉर्ड्स कैसे काम करता है, ठीक है। उस वीडियो को देख लेना, मैं अभी आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और सारे एक्सप्लेनेशन मैं उस मोबाइल जो स्क्रीन रिकॉर्ड है वहां पे मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स सब कुछ समझाने के लिए आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अगर आप लोग ऊपर नोटिस करोगे तो गूगल क्या है ना, एक मुझे सर्वे देखने को मिला है और यहाँ पे साफ साफ लिखा ये आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ दिन पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियोस को वॉच करा था उस वीडियो का है ना मुझे यहाँ पे कुछ सजेशन किया गया है। अब उन ये सारे के सारे जो सजेशन है ना, इस सजेशन को मुझे यहाँ पे ओपिनियन ऐड करनी है मेरी, ठीक है, जिससे मुझे गूगल ओपिनियन तरफ से पे करा जाएगा। तो गाइज इस चीज को आप ध्यान से देखना, कभी भी अगर आप लोग है ना गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड में सर्वे प्राप्त करते हो तो जो अबाउट दिस सर्वे है ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब मैटर करता है आपको गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड में इन फ्यूचर फिर से सर्वे प्राप्त करने के लिए। देखो अबाउट दिस सर्वे पे आपको जहां से भी सर्वे मिल रहा है ना, आपको उसी चीज को नेक्स्ट टाइम के लिए भी फॉलो करनी है, वहीं पे ज्यादा टाइम आपको एक्सपेंड करनी है। उसके बाद गाइज आप सभी को है ना यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम है ना सर्वे देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये वीडियो देखी थी और इस वीडियो को जो मैंने देखी थी ये मुझे याद नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको जब लाइक करा था तो मैंने अपनी यूट्यूब पे गया और मैंने लाइक सेक्शन को चेक करा तो मैंने मुझे वहां पे एक चीज दिखी कि मैंने ये वीडियो को डेफिनेटली यार देखा था, जी हाँ। उसके बाद जैसे मैंने अपने सर्वे को ऐड करा तो सर्वे को ऐड करने के बाद देख सकते हो मुझे यहाँ पे अपना जो भी हिस्सा था ये मुझे मिल चुका है। तो गाइस इसी प्रकार से है ना आप सभी को ध्यान में रखना है कि अबाउट दिस सर्वे को आपको रीड करना है और हाँ गाइस आपको वो वेबसाइट पे जरूर से विजिट करना है। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ध्यान में रखना मेरी जो वेबसाइट मैंने बताई है ये रहा वेबसाइट, जाओ आर्टिकल पढ़ो। और गाइस इस चीज से आप सभी को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यार सिर्फ आपको नहीं बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग है ना इतना भर भर के प्यार दे रहे हो, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। कभी भी आप टी पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, घर पे हो है ना, लेटे हुए जो भी कर रहे हो, बस आप जाके 5 मिनट्स टाइम निकालो अपने लिए। अगर गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स को रियली सीरियसली लेते हो तो जाओ और ये दोनों वेबसाइट का है ना आप सभी को सर्च करके ऐड कर लो, आप उसके बाद है ना चेक कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है और जो भी गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स की मैंने चीजें बताई हैं, जी हाँ गाइस, अब ध्यान में रखना कि अबाउट दिस सर्वे को आप जरूर से है ना रीड करना है जब भी आपको न्यू न्यू सर्वे मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपको आने वाले डेट पे है ना किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करनी है और आपको है ना किस चीज के ऊपर ज्यादा सर्वे मिल सकता है, ठीक है। जो समझदार बंदे होंगे वो इस बात को समझ चुके होंगे, अगर जिसको भी समझ में ना आए तो कॉमेंट कर देना, उनको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।